तो दोस्तों नेक्स्ट प्लस की कौन सी वर्जन डाउनलोड करें और कौन सी वर्जन डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बनाएं, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो बनाया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो कमेंट आता है कि कौन सी वर्जन आप डाउनलोड करते हैं और मैं हम डाउनलोड करते हैं तो हमारी में अकाउंट नहीं बनता है और आप यहाँ पर अपनी मोबाइल में अकाउंट बना लेते हैं, हम बनाने जाते हैं तो हमको वहाँ पर एरर आता है देखने के लिए। तो मैं दोस्तों आपको पर आज की इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी वर्जन मैं डाउनलोड करता हूँ और कहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ और कैसे मैं अकाउंट बनाता हूँ। आज की इस वीडियो में सारी डाउट आपको पर मैं क्लियर करके देने वाला हूँ और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि मैं अकाउंट बना कर रखा हूँ और मुझे नंबर भी मिला हुआ है। तो मैं पर कहाँ से डाउनलोड किया हूँ और आप लोग डाउनलोड कर दो तो आपके यहाँ पर अकाउंट नहीं बनता है, आपके सामने कोई भी चीज़ का एरर आता है, कोई भी चीज़ आपको पर देखने के लिए मिलता है, मतलब आपको पर साफ साफ इसमें अकाउंट नहीं बनता है और आप लोग आकर कमेंट करते हो कि भाई कौन सी वर्जन यूज करते हो, तो वर्जन भी बताऊंगा और आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर इसमें अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा, दोनों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हमारी चैनल पर आप नए हो तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो रखा है, तो इस एप्लीकेशन को मैं चालू करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं पर इस एप्लीकेशन को क्या करूँगा, डाटा क्लियर करने से पहले मैं यहाँ पर देख लूँगा कौन सी मेरी फ़ोन से जीमेल आईडी से अकाउंट बना हुआ है। तो मेरी ये जीमेल आईडी से अकाउंट बना हुआ है तो मैं पर इस जीमेल आईडी को जाकर यहाँ से पहले डिलीट कर दूँगा क्योंकि दोस्तों मुझे नया अकाउंट इसमें बनाना है, ठीक है। तो मैं पर उस जीमेल आईडी का डिलीट करूँगा तभी हमारे यहाँ पर उसमें नया अकाउंट बनेगा कि ये मेरी जीमेल आईडी रहा तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर इसमें अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने मैं अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि इसका सबसे पहले तो डाटा इसका क्लियर करने पड़ेगा मुझे, तो इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं पर इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा इसका डाटा क्लियर कर दूँगा, दोनों काम करने पड़ता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक एक काम करोगे तो नहीं होगा, पहले मैं पर इसका डाटा भी क्लियर कर दूँगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहो, आपको पर अकाउंट तो बना कर देने करेंगे, उसके साथ साथ दोस्तों आपको पर वर्जन भी बताएंगे कहाँ से इस वर्जन को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पर क्या करता हूँ, इसको चालू करता हूँ। चालू करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाला कंट्रोल पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों मैं जो है जीमेल आईडी देने के लिए बोलेगा, इस बार क्लिक करूंगा, ठीक है। इसी पर से आपको पर अकाउंट बनाना भी है, से अकाउंट बन रहा है इसी वाला पर से अकाउंट बन रहा है, अदर से आप लोग अकाउंट बनाने का कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। तो इस वाला पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ से एक नया जीमेल आईडी बनाकर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी पहले नया जीमेल आईडी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल आईडी बन चुका है, उसके बाद दोस्तों हमारी जीमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारे अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत आता है। मेरे साथ तो कोई भी दिक्कत नहीं आता है, आप लोग के साथ भाई दिक्कत आ रहा है, तो इस दिक्कत को मैं पर आज की इस वीडियो में सोल्व करने आया हूँ और आज की इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन भी बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। जिसके मेरे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इधर से सर्च ले रहा है, थोड़ा देर ही सर्च लेने देते हैं, परमिशन को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद दोस्तों फिर आगे देखेंगे, फिर से जीमेल आईडी वाला पर क्लिक करेंगे और फिर से एक जीमेल आईडी यहाँ से दे देंगे, वही जीमेल आईडी दे देता हूँ, नया बनाया था वही। फिर से कंटिन्यू वाला पर क्लिक करता हूँ और हमारी जीमेल आईडी पर जो भी वेरीफाइव कोड आएगा वो वेरीफाइव कोड यहाँ से डाल देंगे। जैसे कि जाकर देख लेता हूँ मैं अपनी जीमेल आईडी पर, अपने पर जैसे कि देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज आया, उस मैसेज में जाऊँगा, उसके बाद दोस्तों मेरी कोड ये रहा तो इस कोड को मैं यहाँ पर जाकर वहाँ डाल दूँगा। जैसे कि दोस्तों इस कोड को मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारी कोड था और यहाँ पर डालें। उसके बाद दोस्तों हमारे ओके वाला पर क्लिक कर देना, ओके वाला पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो फर्स्ट वाला पर जाना और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर ओके कर देना। फिर से यहाँ से कोई भी नंबर आप लोग ले लेना, जिसके दोस्तों मैं यहाँ पर अब अदर कंट्री का नंबर लूँगा, ठीक है, वो कंट्री का बहुत नंबर मैं बना लिया हूँ। चलो मैं यहाँ पर कोई भी एक और दूसरा नंबर ले लेता हूँ, चलो इस कंट्री का नंबर लेकर देखते हैं इस कंट्री का नंबर से अकाउंट बनता है कि नहीं, पहली बार बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नंबर चूज कर लूँगा, चूज करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू वाला पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर देखो क्या दिक्कत आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो कोई भी दिक्कत भाई नहीं आया, मेरे साथ यहाँ पर नंबर आ चुका है। आने के बाद दोस्तों अब यहाँ से कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देंगे, मतलब क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी सक्सेसफुल भाई इसमें अकाउंट बन गया आपके सामने दोस्तों। और दूसरा भी नंबर मैं तलब लिया, यहाँ पर बार बार वही नंबर आ रहा था तो मैं पर दूसरा नंबर लिया, उसके बाद मेरी भी अकाउंट इसमें बन चुका। तो दोस्तों हमने इसमें तो अकाउंट बनाकर आपको वहाँ पर दिखा दिया। बाकी दोस्तों आपको पर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको पर क्या करने पड़ेगा ना, आप यहाँ पर देख पाओगे मेरी टेलीग्राम है, तो मैं अपना टेलीग्राम को चालू कर लेता हूँ।
चालू करने के बाद दोस्तों आपको ना यहाँ पर आकर सर्च करना है, क्या यहाँ पर सर्च करना है, मिस्टर कारू जैसे कि सर्च करना, ठीक है, सर्च करिएगा। उसके बाद लास्ट में लगाना है टेक, मिस्टर कारू टेक लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पर मेरी चैनल मिल जाएगा, आप पर देख सकते हो, तो ये है टेलीग्राम, तो इस वाला पर जाना और इस वाला पर आएंगे तो मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूंगा, अभी लिंक नहीं डाल रखा हूँ, वीडियो पब्लिक करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूंगा, तो जैसे कि उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वही एप्लीकेशन आपको ऊपर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वही वर्जन में मिल जाएगा। तो कुछ तरह से आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, तो जो मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ वही एप्लीकेशन आपको भी दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको वहाँ पर अकाउंट बनाने में।